केंद्र सरकार ने दिया जनता को बड़ा झटका, रेल किराए में की 14.2% की बढ़ोतरी, सरकार के फैसले का हो रहा है विरोध। इराक में अगवा हुए 40 भारतीयों में से एक युवक भाग निकलने में कामयाब, 16 अन्य भारतीयों का हिंसाग्रस्त इलाकों से निकाला गया सुरक्षित, सरकार कर रही है भारतीयों को निकालने का प्रयास। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री को लेकर तेज हुई सियासी हलचल, विधानसभा चुनाव में लीडरशिप को लेकर अहमद पटेल से मिलने के बाद चौहान करेंगे सोनिया गांधी से मुलाकात। फीफा वर्ल्ड कप में बड़े उलटफेर जारी, कोस्टारिका ने इटली को हराकर अंतिम 16 में पक्की की जगह, वहीं स्विट्जरलैंड पर शानदार जीत के बाद अंतिम 16 के और करीब पहुंचा फ्रांस।